दोस्तों भारत बनाम साउथ अफ्रीका 5 मैचेस की T20 सीरीज 2-2 से बराबर हुई क्योंकि फाइनल मुकाबला फिफ्थ मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया और सीरीज को 2-2 पर ही संतुष्ट करना पड़ा। तो वहीं अब साउथ अफ्रीका दौरे के बाद टीम इंडिया आयरलैंड जाने वाली है 2 T20 मैचेस के लिए, जहां पर पूरी तरह से T20 टीम में बदलाव हो चुके हैं। कप्तान बदल गया है, बॉलर्स बदल चुके हैं, बैट्समैन बदल चुके हैं, न्यू डेब्यूडेंट्स की एंट्री हुई है टीम में, साथ ही साथ पहले दूसरे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो क्या पूरी प्लेइंग 11 है, पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ईशान किशन, दिनेश कार्तिक कौन बेहतरीन विकेट कीपर है T20 वर्ल्ड कप में? एज अ विकेट कीपर किस बैट्समैन को जाना चाहिए, कमेंट करके हमें अभी बता दें। दोस्तों भारत बनाम आयरलैंड 2 T20 मैचेस खेले जाना है, 28 जून से इसकी शुरुआत होने वाली है। कैप्टेंसी हार्दिक पांड्या को दी गई है, यानी ऋषभ पंत को भी रेस्ट दिया गया है। ऋषभ पंत की कैप्टेंसी की बात की जाए तो उतनी खास कैप्टेंसी नहीं दिखाई दी, 4 T20 मैचेस में उन्हें कैप्टेंसी करने का मौका मिला और इसी कारण से हार्दिक पांड्या को बतौर कैप्टन भेजा गया है। ऐसे में सीरीज में डेब्यूडेंट्स की बात करें तो राहुल त्रिपाठी की एंट्री हो चुकी है स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में मौका मिलता है नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी। स्क्वाड तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन एज अ ओपनर रहने वाले हैं, ओपनिंग की भूमिका निभाने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव की वापसी हुई है, तो वही नंबर 4 के लिए दीपक हुड्डा रहने वाले हैं। श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है, ऐसे में दीपक हुड्डा अच्छी कमान संभालने वाले हैं। फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक रहने वाले हैं और हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक जिस प्रकार से फिनिश कर रहे हैं मैचेस, काफी डिस्ट्रक्टिव होकर सामने निकल कर आ रहे हैं। तो वहीं बॉलर्स के तौर पर युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई की स्पिन जोड़ी रहने वाली है। 3 पेसर्स की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान रहने वाले हैं। तो वहीं इस सीरीज में न्यू डेब्यूडेंट्स की बात की जाए तो राहुल त्रिपाठी, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह इस सीरीज में डेब्यू कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो टीम इंडिया काफी अच्छी रही, शुरुआत में वीक जरूर से दिखाई दी लेकिन अच्छा कमबैक किया, 2-2 से सीरीज बराबर की। अब आपको क्या लगता है, आयरलैंड के खिलाफ क्या टीम इंडिया आसानी से जीत जाएगी सीरीज या फिर आयरलैंड भी मुश्किल पैदा कर सकती है, कमेंट करके हमें अभी बताएं। सभी क्रिकेट अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।